ओम शांति। आज की मेडिटेशन कमेंट्री है, भोजन बनाते समय परमात्मा शिव बाबा को याद कैसे करें। भोजन बनाते समय हम वैरायटी अभ्यास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं, हम अपने फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। परमात्मा शिव बाबा से हम बातें कर सकते हैं, उनसे रूह रिहान कर सकते हैं। उनकी किरणें हम पूरे भोजन, रसोई घर, अपने घर में फैला सकते हैं और योगयुक्त होकर हम अच्छे संकल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह भोजन ब्रह्मा भोजन है, प्रसाद है। इस भोजन को स्वीकार करने से घर के सभी सदस्यों का मन शांत हो जाएगा, उनका जीवन सुखी हो जाएगा। किसी की कोई आदत छुड़वानी हो, हम संकल्प कर सकते हैं यह पवित्र ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर यह व्यक्ति की बुरी आदतें, बुरे संस्कार समाप्त हो रहे हैं और यह भोजन स्वीकार कर वह आत्मा पवित्र बन रही है, उनके संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार हम साइलेंस में रहकर कोई अभ्यास भी कर सकते हैं। हम कोई कमेंट्री, गीत, क्लास या मुरली भी प्ले कर सकते हैं। तो आज हम भोजन बनाते समय वैरायटी अभ्यास करेंगे। भोजन स्टार्ट करने से पहले हम बैठकर 3 से 5 मिनट अच्छा योग अभ्यास करेंगे, जिससे कि भोजन बनाते समय हमारा योग इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सर्व संकल्पों को परमात्मा को समर्पण कर एकाग्र करेंगे। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने मस्तक के बीच में संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक फरिश्ता हूं। मैं एक फरिश्ता हूं। अभी हम फील करेंगे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हमारे साथ हैं।
मैं एक फरिश्ता हूं। अनुभव करेंगे परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। और मुझ आत्मा में समाकर मुझ आत्मा बिंदु से और हमारे नैनों से भोजन पर पड़ रही है। यह भोजन संपूर्ण पवित्र बन रहा है। अनुभव करेंगे यह परमात्मा पवित्रता की किरणें, दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाकर यह भोजन में समा रही है। पूरी तरह से एकाग्र रहें इस स्थिति में। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्रता का फरिश्ता हूं। निरंतर हमारे नैनों से यह पवित्रता की किरणें यह भोजन में समाती जा रही है। अनुभव करेंगे धीरे धीरे यह परमात्मा किरणें पूरे रसोई घर में फैल चुकी है। परमात्मा शिव बाबा से और हमसे पूरे रसोई घर में यह प्रकाश फैल चुका है। और इस रसोई घर में भोजन अन्न का एक एक कण
पानी पवित्र बन रहा है। बाबा से बातें करेंगे, बाबा हम आपके लिए यह भोजन बना रहे हैं। यह घर के सभी सदस्य आपकी संतान है। यह सभी आत्माएं पवित्र हैं। यह भोजन स्वीकार करते ही इन सभी का मन शांत हो जाएगा। बाबा, यह घर आपका है। इस घर के सभी भंडारे और भंडारी आपकी हैं। हम आपको तन मन धन और सभी संबंधों से समर्पण है। यह भोजन हम आपके लिए बना रहे हैं। यह भोजन ब्रह्मा भोजन है। यह भोजन स्वीकार करने से सभी के दुख विघ्न बीमारियां बुरी आदतें बुरे संस्कार समाप्त हो जाएंगे। अनुभव करेंगे बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिया है और हमारे प्यार को देख समर्पण भाव को देख दिल से मुस्कुरा रहे हैं। पूरी तरह से एकाग्र रहें इसी स्थिति में। परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है और हमसे पूरे भोजन में और पूरे रसोई घर में फैल रही है। यह पवित्र किरणें इस भोजन को संपूर्ण पवित्र बना चुकी हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पूरी तरह से एकाग्र रहें इसी स्थिति में। परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है और हमसे पूरे भोजन में और पूरे रसोई घर में फैल रही है।
इसी तरह अच्छे अभ्यास कर हम भोजन बनाएंगे और अच्छे स्वच्छ बर्तनों में हम यह भोजन बाबा को आह्वान कर उन्हें स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।